मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इज्तिमा जो 4 दिन का होने वाला था अब 3 दिन का होगा। मरकज में ये तय हुआ कि दुआ 25 तारीख को दिन रविवार को मगरिब की नमाज के बाद होगी। खबर एसएच के लिए हमारे संवाददाता आसिफ खानी की, देखिए भोपाल से एक रिपोर्ट। ये इज्तिमा में क्या फेर बदली हुई है बताएंगे आप? इंशाल्लाह इज्तिमा हर साल की तरह इस साल भी जोर शोर से शुरू होने जा रहा है और जो तारीखों में तगयुर आया था उसको कुछ मसले आता जो है मशवरा करके ये तय पाया गया है कि इज्तिमा 4 दिन के बजाय वो 3 दिन में होगा और इंशाल्लाह इतवार के दिन मगरिब के बाद दुआ होगी। जैसा कि आम तरीके से होता है, सुबह दुआ होती थी, अब वो ना होके शाम को मगरिब के बाद दुआ रखी है ताकि लोग आराम के साथ अपने घरों पर वापस पहुँच जाएँ। और कुछ किसी वजह से ये हुआ था, आप वापस तो आ गया, तो आप फिक्र ना करें, अपने तैयारी के साथ बकायदा शामिल हुए और खूब गौर से सुने और अमल करने वाले बने।